हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी। आपका केबीसी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान पटवारी के लिए मैथ और रीजनिंग के हजार हजार क्वेश्चन, डेली हम 10 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इससे हमारी प्रैक्टिस बनी रहेगी और एक टाइम के बाद हम 1000 क्वेश्चन कर लेंगे, वो हमें बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस देगा। तो डेली अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं, तो आज स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी, जाइए प्लेलिस्ट पे, और जो ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं जाके सर्च कीजिए यूट्यूब पे केशव बानू क्लासेस, आपको हम मिल जाएंगे। ठीक है साहब, तो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन 70 तक हमने कर लिए थे, 71 की बात करता हूँ आज। हम क्वेश्चन करेंगे 71। देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पहले आप पॉज किया करिए, इसको सॉल्व किया करें, फिर जाके सॉल्यूशन पे जाएं। सिंपल क्वेश्चन है आज वाले क्वेश्चन, हार्ड नहीं है, परंतु आपको टाइम बचाना है इन क्वेश्चन में। ठीक है, हरीश व सुरेश प्रत्येक ने 7000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है साहब, 6 माह बाद हरीश ने अपनी पूंजी का 2/5 वापस ले लिया, तो 12 महीने बाद लाभ का अनुपात क्या होता है? तो देखो, हरीश कौन कौन है साहब? हरीश और सुरेश है। हरीश भाई साहब है और उनके साथ साथ कौन है? सुरेश भाई साहब है। ठीक है साहब, जो लाभ का अनुपात होता है, जो लाभ का अनुपात होता है, वो लाभ का अनुपात किसके गुणा के बराबर होता है? आय। और गुणा किसके साथ करनी होती है? समय के साथ, समय के साथ करनी होती है। इसका गुणा का जो अनुपात आएगा वही लाभ का अनुपात होता है। तो देखो, जो है कौन है? 7000 7000। तो ठीक है भाई साहब, हरीश ने भी कितने रुपए लगाए हैं? 7000। और ये कितने समय के लिए, ये नहीं पता मुझे। और ये भी, इसने भी कितने लगाए हैं? 7000। ठीक है, 6 महीने बाद हरीश अपनी पूंजी का 2/5 भाग वापस ले लेता है। 6 महीने बाद हरीश, 6 महीने बाद लेता है ना, तो 6 महीने तक तो यही पूंजी है। ठीक है साहब, एक केस तो ये रहा। दूसरा केस क्या है? वो ले लेता है 2/5 भाग वापस ले लेता है। तो 2/5 भाग वापस ले लेता है तो कितना बचा? 3/5 भाग ही तो बचेगा उसके पास, बचेगा भाई साहब 3/5, और किसका? 7000 का। तो अब जो पूंजी लगी हुई है अगले 6 महीने, वो 7000 नहीं है, 7000 का 3/5 है। चाहो आप 2/5 निकालो 7000 का, उसको 7000 में से घटा दो, या डायरेक्ट 3/5 निकाल लो। तो कटो है ना, कितना आ गया ये? 1400 है ना, और 14 3 17। हाँ ठीक है, 4242 रुपये लगेंगे, 4200 रुपये आ गए ये। अब 4200 और समय इसके लिए कितना है? 6 महीने, क्योंकि 6 महीने पहले बिता चुका है, और इसके लिए कुछ कहानी है ही नहीं, इसके लिए तो 12 महीने यही पूंजी लगी हुई रही है। आई होप यही चीज समझनी थी कि 2/5 हटा लेता है तो बची कितनी? 3/5 है ना, कटिंग करी 42 आया, 4200 रुपये आए, और समय उसके लिए क्या है? 6 महीने। अब कर लो सोल्व, क्या प्रॉब्लम है? एक कुछ सेकंड्स का ही काम है। इसको करेंगे गुणा, तो हम पूरी गुणा करके नहीं देखेंगे, हम तो इसको क्या करेंगे, 7000 गुणा 6, और इन दोनों को करेंगे जोड़ेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि ये पूरा इसका चिट्ठा पिट्टा है। तो 4200 गुणा 6, ये इसका अनुपात है, और इसका अनुपात कितना है? 7000 गुणा 12। इन दोनों में 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन ले लिया, बचा कितना? 7000 प्लस 4200, और इधर क्या बच गया? 7000 × 12। ठीक है साहब, ये अनुपात है। अब सोल्व कर लो, ये कितना हो गया? 6 × 7 × 4 7 4 11 112 00 अनुपात 7000 × 12 सेकेंड्स में निकाल सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे यदि जल्दी भी करते तो 0 0 0 यहाँ हटा दो, है ना। चलो उतना नहीं तो अभी समझते हैं, 0 0 यहाँ काट रहे हैं, यहाँ काट लो। ठीक है साहब, काट लो, और क्या काट सकते हैं? 7 के पारे से काटने की कोशिश करते हैं, है ना। 6 से ये काट लो 2 बार, 7 के काटा तो ये आया 10, और यहाँ से काटूंगा तो क्या आया? 6 × 6 18 × 6 112, यहाँ आ गया 18। अब काटो इसको और, तो ये कट गया कितनी बार? 9 बार। अब काट देंगे तो 5 और 4, आंसर आ जाएगा 4:5, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, बस ये चीज, छोटी सी चीज समझ में आनी चाहिए। चलो साहब, करते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। प्यारा सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। क्या कह रहा है भाई? 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, किसका भाई? 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य को मैं सीपी से, कॉस्ट प्राइस, ठीक है साहब, बराबर है, किसके बराबर है? 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 12 वस्तुओं के एसपी के, यानी सेलिंग प्राइस के बराबर। बस अब तो क्या है,
हमें यदि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का अनुपात भी पता चल जाए ना, तो भी हम लाभ निकाल सकते हैं या फिर हानि जो भी होती है वो निकाल सकते हैं। कैसे, समझने की कोशिश करना। ये चीज कही कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर किसके है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो इसने क्या पूछा आगे, लाभ प्रतिशत। देखते हैं लाभ कितना आता है। सीपी काट दो इसको, तीन के पारे से तीन चौक 12, तीन पंजे 15। सीपी अपॉन एसपी, ये एसपी इधर आ गया, बराबर कितना आ गया, 4/5। अब समझना समझना, अनुपात दिया हुआ है, इससे आप लाभ प्रतिशत कैसे निकाल सकते हो। आपको बस ये सोच लो कि यार 4 रुपए में खरीदी, यदि सीपी 4 है तो एसपी कितना होगा, 5 होगा। आपसे देखो प्रतिशत पूछा है, पहली बात तो ये लाभ प्रतिशत पूछा है, आपसे लाभ नहीं पूछा कि कितने रुपए का लाभ हुआ है। कितने रुपए का लाभ है वो नहीं बता सकते, क्योंकि अनुपात में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती। परंतु ये जरूर है कि यदि सीपी 4 हुआ तो एसपी डेफिनेटली क्या होगा, 5 होगा। तो बताओ 4 रुपए क्रय मूल्य हो गया ये, और ये विक्रय मूल्य हो गया। 4 में खरीद कर 1 में बेचने, सॉरी 5 में बेचने पर लाभ कितने का हुआ, 1 का। और क्रय मूल्य कितना है, 4 इंटू 100 करूंगा तो कितना आएगा, दैट इज 25%। इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल सा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए। चलो साहब, कहीं कोई डाउट आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं ना, मैं आंसर दे दूंगा कमेंट में। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं ये। यदि आपको थोड़ी सी मेथड्स पता होना तो ये क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, परंतु देखने में बड़े अच्छे पटे लगते हैं। तो अच्छे से समझना इन क्वेश्चंस को, ठीक है। हरिराम ने एक घोड़ी 10% की हानि से बेची, ठीक है साहब। पहले बेच किसने रहा है, 10% की हानि में बेच रहा है, ठीक है साहब। यदि यदि वह उसे 750 रुपये अधिक में बेचता, 750 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 15% का लाभ होता। भाई कितने प्रतिशत का लाभ होता, 15% का क्या हो जाता, लाभ होता, ठीक है साहब। इसके और इसके बीच में कितने रुपए हैं, 750 रुपये अधिक है, यही तो कहा। 750 रुपये अधिक में बेचता तो 15% का लाभ हो जाता, 750 रुपये अधिक बेचता। आपसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, एकदम चुन सेकंड्स में बना लो। आप तो सिंपल सोचो कि मेरा क्रय मूल्य क्या है, आप तो क्रय मूल्य क्या मान लिया करो, ऐसे क्वेश्चन में 100 रुपये मान लिया करो, 100 रुपये मान लिया करो, क्योंकि प्रतिशत 100 का बहुत जल्दी निकल जाता है। 100 रुपये मैंने मान लिया, माना ये मैंने माना, ठीक है सब, मैंने माना, तो मुझे क्या मिलेगा कि भाई 100 रुपये क्रय मूल्य है, हानि 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 10% की हुई है, तो विक्रय मूल्य कितना आता, विक्रय मूल्य इस केस में कितना आता, भाई हानि हो रही है तो कितने रुपए में बेचेगा, 90 रुपये में बेचेगा, बेचना ही पड़ेगा। देखो क्रय मूल्य 100 रुपये था, हानि 10% की हुई, तो ऑब्वियस सी बात 90 रुपये में बेचाऊंगा, ठीक है साहब, ये 90 रुपये हुआ। यहां देखो विक्रय मूल्य यहां कितना आता, यहां आता दोस्तों 100 रुपये में खरीदा, 15% का लाभ हो रहा है, तो कितने में बेचता, 115 रुपये में बेचता, बेचता। अब देखो क्वेश्चन ने कहा है कि 775 रुपये अधिक में बेचता है, और हमारे हिसाब से कितना है, हमारे लिए ये गैप कितना है, ये हमारे लिए गैप कितना हो गया साहब, 15 और 10 25 रुपये का गैप हो गया। तो ये 25 हमारा गैप है, क्योंकि हमने क्या माना है, क्रय मूल्य को 100 माना है, तो हमारा 25 क्वेश्चन के कितने के बराबर है, 750 के बराबर है। यही काम करना होता है, हमारा जो माना हुआ है उसको क्वेश्चंस के बराबर कर दो। हमारा जो 25 है वो क्वेश्चन के किसके बराबर है, 750। हमारे हिसाब से 25 में अधिक बेचता, 25 रुपये अधिक में बेचता तो लाभ 50 और 15 का होता है ना। क्वेश्चन कह रहा है नहीं भाई, हमने 750 के बराबर बांटा है, तो हमारी 25 यूनिट किसके बराबर है, 750 के। उसने पूछा है क्रय मूल्य, तो हमारी 25 इसके बराबर है, तो 100 कितनी की होंगी, तो 100 हो जाएंगी। सिंपल सिंपल क्या कर लो, 750/25×100, या डायरेक्ट इसको 4 से गुणा कर लो, जो बच्चे समझ सकते हैं। 25 को 100 बनाने के लिए 4 की गुणा करनी होती है, वैसे यहां पे 4 की गुणा कर लो, एकदम इजी कर लो। 25 × 100 या फिर 25 × 75 और 0, 3000 रुपये आ गई, 3000 रुपये आपका आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, क्रय मूल्य इसका क्या है, 3000। क्या करो, 100 मान लिया करो, आपका जो निकले उसको क्वेश्चन के बराबर कर दो। अब ये मेथड कभी मत भूलना, समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार वापस लेके जाओ, परंतु समझ लो ऐसा क्वेश्चन बहुत बहुत चांसेस है कि इस बार आए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये है, आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है और मैंने आपके लिए बना भी दिया है। सिंपल सा क्वेश्चन है,
पाई चार्ट से रिलेटेड है इस बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चीज, है ना। देखो क्या कह रहा है, दिया गया पाई चार्ट, ये पाई चार्ट होता है गोले में, है ना, और इस गोले में आपके कभी क्या दे देगा, प्रतिशत देगा। तो पूरा गोला हमेशा कितने प्रतिशत को बताता है, 100% को बताता है। कभी कभी क्या कह देगा, डिग्री दे देगा, जैसे इसमें डिग्री दी ना 90 डिग्री, 108 डिग्री। तो टोटल गोला आपको पता है ये कोण पूरा कितना होता है, ये 180 और ये 180, तो पूरा टोटल कितना, 360 डिग्री को बताता है। और कभी कभी ऐसे दे देगा, ये 1/4 है, ये 1/5 है, उसका मतलब क्या है, टोटल गोला किसको बता रहा है, एक को बता रहा है। वो अलग अलग केस में है कि भाई 360 डिग्री है, 100% है, क्या है ये चीज, ठीक है। चलो अब बात करता हूं, दिया गया पाई चार्ट एक परिवार के विभिन्न भागों को किस व्यय में दर्शाता है, किए गए व्यय को दर्शाता है, यदि परिवार कपड़ों पर 825 रुपए खर्च करता है। ये कपड़ों पर कितना कर रहा है, 825 रुपए खर्च करता है, तो निम्न दिए गए क्वेश्चन के उत्तर दीजिए। देखो सिंपल सा काम है, पहले समझना कि 825 किसके बराबर है, 825 36 डिग्री के बराबर है। इसने क्या कहा है, जो चार्ट दिया हुआ है वो कह रहा है 36 डिग्री है ना, 36 डिग्री वो 850 रुपए के बराबर है, यही तो कह रहा है। एक बार तो कह दिया चार्ट में 36 डिग्री दिखा दिया, और फिर एक इन्फॉर्मेशन और दे दी कि ये कितने हैं, 850 रुपए के बराबर है। तो माइंड में बैठ जानी चाहिए कि 36 डिग्री किसके बराबर है, 825 रुपए के बराबर है, ठीक है सर। अब पहला क्वेश्चन देखो, परिवार की मासिक आय होगी, मासिक आय कितनी होगी, मासिक आय जितना खर्च और बचत है दोनों को मिला के तो होगा, तो ये पूरा क्या होगा, मासिक आय होगा। यानी मासिक आय कितनी होगी साहब, यदि मैं डिग्री में बात करूं तो मासिक आय टोटल कितनी होगी, मासिक आय टोटल होंगी 360 डिग्री होंगी, यही तो होंगी। यदि ये परसेंटेज में होता तो 100% लिख देता, परंतु इसने डिग्री में दिया है तो 360 डिग्री लिख दिया। तो मासिक आय का मतलब क्या, कितना कमाता है, कमाएगा कितना, जितना खर्च कर रहा है प्लस बचत, तो टोटल आएगा, टोटल कितना होता है 360 डिग्री। हमें रुपए में बताना है तो हमें ये पता है कि 36 डिग्री किसके बराबर है, 825 रुपए के बराबर है। तो 360 डिग्री यानी इसको सीधा 10 से गुणा कर दूं तो इधर 360 डिग्री आ जाएगा, और बराबर कितना आ जाएगा, 825 रुपए, 8250 रुपए इसकी मासिक आएंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उड़ा दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 75, परिवार कुल आय का कितना प्रतिशत बचाती है। अब देखो अच्छा है ये क्वेश्चन, कितना प्रतिशत बचाती है कुल का, हमारे हिसाब से कितना बचाती है साहब, 54 डिग्री बचाता है, बचाता है नहीं बचाता, हमारा पाई चार्ट कह रहा है कि बचत कितनी हो रही है, 54 डिग्री की हो रही है, परंतु हमें तो परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि 360 डिग्री, इसका टोटल 360 डिग्री किसको दर्शा रहा होगा, 100% को दर्शाता है साहब, 100% को दर्शाता है। देखो ये पूरा चक्कर कितना होगा, पूरा 100% भी मान सकते हैं और 360 डिग्री को भी मान सकते हैं। तो जब भी इंटरचेंज करना हो ना तो ऐसे किया करो कि भाई 360 डिग्री बराबर 100%, अब हमें कितना निकालना है, 54, तो एक बराबर कितना आ गया, 100/360, और निकालना कितनी डिग्री है, 54 डिग्री निकालनी है, क्योंकि बचत हमें डिग्री में दी हुई है, तो 100/360 × 54, तो आंसर आ जाएगा आपका 36, 18 × 36, 0 से 0 काट दो, 18 × 36 = 54, 30% आंसर आ गया। भाई बचत कितनी होती है, 30% की बचत होती है, आंसर आ जाएगा, सॉरी 30% ऑप्शन में नहीं है, कहीं गलती कर रहे हैं क्या, अच्छा अच्छा अभी है ना, सॉरी 18 × 36 = 54, ये दो काटना भूल गए, दैट इज 15% की क्या होती है बचत होती है, आंसर आ जाएगा 15%, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो कि भाई खाने पे हुआ व्यय व अन्य व्यय का अनुपात पूछा है, उसने ये नहीं पूछा कि कितने कितने रुपए खर्च कर रहे हैं, हमें इतना पता है कि अनुपात बताना है, तो अनुपात कैसे निकालते हैं समझना, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये थ्योरी में मैं चीजें करा देता हूं, थ्योरी पढ़ाऊंगा तो मैं पूरी करा ही देता हूं इन चीजों को, थ्योरी देख सकते हो, क्लासेस भी लग रही है, जाके प्लेलिस्ट में जरूर जाके चेक करें कि इन क्लासेस का क्या महत्व है, बहुत सारी क्लासेस रीजनिंग और मैथ्स की लग रही है, प्लीज जाके देखें, चैनल को विजिट करें एक बार, है ना, आपको क्लासेस मिलेंगी, आनंद आएगा, आप पढ़ के एक बार जरूर देखिएगा। चलो खाने का पर व्यय और अन्य व्यय, अनुपात किसका निकालना है, खाने का व्यय अनुपात में अन्य व्यय। देखो भाई साहब समझने की कोशिश करना, खाने का व्यय कहां है, कहां है, ये रहा खाने का व्यय कितना है, 108 डिग्री। अब बच्चा कहेगा यार 108 को पहले रुपए में चेंज करूं फिर मैं आंसर निकालूंगा, भाई रुपए में क्यों चेंज करना है,
जब रुपए पूछे तब चेंज करो ना, जब अनुपात पूछा है तो मान लो चेंज भी कर लेता है, मान लो इसको किसे 36 बटा ऐसे करता है और इधर भी वही काम करेगा, है ना, तो कटी जानी है वो चीजें। तो जब अनुपात पूछे ना तो भाई डिग्री डिग्री में रख सकते हो, परसेंटेज परसेंटेज में रख सकते हो, परंतु रखना एक चीज में, यू नहीं के यहाँ पे डिग्री रख दी यहाँ पे प्रतिशत रख दिया, गलत हो जाएगा। दोनों में डिग्री डिग्री रखो, सिंपल सा काम है। 108 डिग्री है और अन्य व्यय कितने हैं भाई साहब, 72 डिग्री है, 12 से काट लो या फिर और थोड़े सिंपल 6 से काट लो। अब सिंपल काट लो, 12 से काट लो, 12 छिंग 72 और 12 नहीं में 108, फिर काट लो 2 और 3, तो 3 अनुपात 2 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर 76 का। 77 देखो, देखो एकदम अच्छा कॉन्सेप्ट है, आराम से समझ लेना, है ना। 77 देखो, कपड़े पे व्यय व अन्य व्यय का औसत ज्ञात करो। अब आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। अब औसत में आपको दोनों का योग भी करना पड़ेगा, दोनों की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। कपड़े पे व्यय करना है ना, तो खाने का व्यय निकालो पहले और अन्य व्यय करो, या फिर एक काम और कर सकते हो, थोड़ा समय और बचा सकते हो। देखो कैसे, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सिंपल सा कह रहा है कि कपड़े का व्यय व किराया व्यय का औसत होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कपड़े का व्यय, कपड़े प्लस किराया, इनका जो व्यय है उनमें जोड़ के फिर भाग देना पड़ेगा दो का। क्यों साहब, दो का क्यों, क्योंकि औसत यही तो कहता है, संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। बहुत बार दो का भाग नहीं देते और हम आंसर गलत कर जाते हैं, तो औसत के लिए हमेशा किसका भाग दें, दो का भाग दें, ठीक है साहब, दे देना। अब क्या कह रहा है, कपड़े देखो, कपड़े में हमें सीधा सीधा पता है कि 36 डिग्री भी है और 825 रुपए, चाहो तो किसी को भी यूज कर लो, परंतु दो चीजें जोड़ रहे हो ना तो डिग्री रखो, फायदा रहता है कैलकुलेशन में। तो देखो 825 है यानी 36 डिग्री है, परंतु हमें रुपए चाहिए, तो देखो 36 डिग्री बराबर 825 रुपए, तो 1 डिग्री बराबर, यहां से निकालो, 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 825 बटा 36 डिग्री, ठीक है साहब। अब इसका फायदा समझने की कोशिश करना, तो 36 गुना 825 बटा 36 डिग्री, ये आ गया, ये क्या था, ये पहला आ गया, किसका व्यय आ गया, कपड़े का। चाहो तो सीधा 825 भी रख के कर सकते हो, परंतु मैं बताऊंगा अभी कैलकुलेशन कैसी जी होती है इससे। अब किराए का कितना आएगा, 90 डिग्री अपॉन गुना 825 बटा 36 डिग्री, है ना भाई, 1 डिग्री का वैल्यू पता चल गया रुपए के रूप में, तो हम बाकी डिग्री का भी निकाल सकते हैं। बस अब क्या करना है, अब यहां से क्या ले लो, कॉमन ले लो, आप कुछ कॉमन ले सकते हो, हाँ ले सकते हैं, 800 बट्टा में क्या रखना, 2 रखना, 825 बटा 36 तो ले लो कॉमन 36 डिग्री और गुणा कर दो इसको 90 और कितना हो गया, ये हो गया 36 यानी 126 डिग्री और बट्टे में पूरे में क्या था, 2 था, ठीक है साहब। क्या काम किया, 825 बटा 36 डिग्री ले लिया कॉमन, बचा क्या 36 और 90 यानी 126 डिग्री। अब कटिंग फटिंग कर लो और आंसर निकाल लो। इस दो को भी मैं क्या कर लेता हूँ, ऊपर ले आता हूँ, ऊपर लाने से कुछ फायदा होगा, डेफिनेटली फायदा होगा, तभी तो हम करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 825 बटा 36 गुना 2, देखो ये वैसे ऐसे होता है ना, ये पूरा ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, आती होंगी इतनी कैलकुलेशन, तो 126 कर लो आप सोल्व, काट लो, किससे काटना चाहोगे, 4 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, चलो 18 दूनी 36, 18 रखो और यहाँ पे काटिंग करोगे तो 6 और 3, अब किसी से कट रहा है क्या, ये कट रहा है 3 से, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6 और 21, 21 और 6 अब भी कट रहा है ये, चलो काट सकते थे हम किससे भाई, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ठीक है साहब। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो एक जगह लिखते हैं हम, करते हैं 825 गुणा 7 बटा 2 गुणा 2 4। अब इस 4 को क्या लिखा जा सकता है, एक काम कर सकते हो, वैसे नहीं तो सीधा कैलकुलेशन भी कर लो तो भी आंसर आ जाएगा, नहीं तो इसको क्या लिख सकते हो, 100 बटा 25, यानी ऊपर गुणा 25 की कर लो फिर 2 जीरो लगा लो, वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो सीधा गुणा करके भी कर सकते हो, सीधा ही कर लेते हैं, कोई बड़ी गुणा तो है नहीं, 7 5 35, 5 3 साधुनी 14 और 3 कितने हो गए, 15 16 17 8 7 56 और 157 बटे क्या आ गया, 4 आपके सामने आ गया, है ना, 8 7 56 और 157, ठीक है साहब। अब दे दो भाग, दे के देख लो क्या है, ये कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, ठीक है साहब, बचा कितना, 4 चौक 16, बचा कितना, 4 चौक 16, फिर 4 3 12,
चातीय 12 के बाद 7 और 5, ठीक है साहब, चातीय 12 30 7 चौक 28 25, तो 1443.75 रुपए आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या? हाँ साहब, ऑप्शन नंबर ए 1443.75 रुपीज, ये इसका आंसर आ गया। कैलकुलेशन चाहो तो यहाँ से भी सीधा कर सकते थे, पर तो यहाँ पे भी काटोगे तो यहाँ ये वैल्यू आ रही है, पॉइंटों में आएंगी, है ना, तो आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। चाहो बाद में काटो, आगे करो, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेंगी, देखो, है ना। उसकी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जैसे जैसे वक्त आएंगे। कुछ बच्चे 25 की गुणा करने में एक्सपर्ट होते हैं, तो 100 × 25 कर लेते हैं, वो फिर पॉइंट सीधा यही गुणा करने पर ये सीधा आता, फिर दो पॉइंट बाद ये लगा लेते, तो आपकी इच्छा वैसे कर सकते हो, ठीक है साहब। तो ये क्वेश्चन थे पाई चार्ट के, जो कि महत्वपूर्ण थे आपके लिए। इस तरह के क्वेश्चन आगे मिलते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है यार। एक दुकानदार एक वस्तु पर 10% का बट्टा देता है, यदि अंकित मूल्य 450 रुपए है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? बट्टा क्या होता है यार, बट्टा किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य क्या हुआ है कितना? 450 रुपए, उस पे बट्टा दे रहा है 10% का, यानी डिस्काउंट दे रहा है बेसिकली। तो 450 रुपए का 10% निकाल लिया, 450 रुपए का 10% कितना होगा? 45 रुपए का उसको क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है। 45 रुपए का उसको क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है। अब 450 रुपए लगाए हुए थे, उसमें से 45 क्या कर दूंगा? माइनस, यानी डिस्काउंट, तो बेचूंगा कितना? 405 रुपए इसका विक्रय मूल्य आएगा, दैट इज सेलिंग प्राइस, है ना। तो एसपी इसका कितना आ जाएगा? 405 रुपए। 79 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है परंतु अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है, आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए, फिर आंसर भी देखिएगा। देखो, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर, 17 गेंदों को कितने में बेचना है? 720 रुपए पर, सॉरी 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखो, बेच रहे हैं यानी विक्रय मूल्य 720 रुपए में बेचा, तो भाई ये 720 रुपए तुम्हारी जेब में आए ना, तो जेब में आए, उसमें से जेब में से कुछ निकला होगा तभी तो आए। तो पहले तो तुम्हें क्या करनी थी, 17 रुपए से सीपी, मान लो सीपी है क्रय मूल्य, एक गेंद का क्रय मूल्य सीपी है, तुम्हें 17 गेंदे बेचनी है तो 17 पहले खरीदनी तो पड़ेंगी। तो ये 720 रुपए बराबर किसके हैं? सीपी के बराबर है, कॉस्ट प्राइस के बराबर है 17 गेंदों के। और साथ में देखो फॉर्मूला आपको पता होगा कि विक्रय मूल्य बराबर जब हानि होती है तो विक्रय मूल्य कितना होता है? विक्रय मूल्य होता है साहब, वो होता है क्रय मूल्य इन माइनस में हानि, यही तो होता है फॉर्मूला। फॉर्मूले वाले जो समझते हैं वो इससे भी समझ सकते हैं। तो 17 गेंदों का विक्रय मूल्य कितना है? 720, तो क्रय मूल्य भी तो चाहिए, और वो कितने है? हमें तो एक गेंद का क्रय मूल्य पूछा है ना, एक गेंद का क्रय मूल्य पूछा है, तो हम एक गेंद का क्या मान लेते हैं? सीपी है। तो 17 गेंदों का क्रय मूल्य 17x माइनस हानि, तो हानि इसने क्या कहा है कि 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर होती है, तो हानि किसके बराबर है? 5 इंटू सीपी के बराबर है। अब आंसर निकाल लो, एकदम सिंपल है, अगर ये 12 सीपी, एक सीपी ये इधर भाग दूंगा तो सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 60 रुपए आ जाएंगी एक गेंद का क्रय मूल्य। एकदम इजी क्वेश्चन था, परंतु आप भाषा समझ पाए इतना ही जरूरी था। और क्वेश्चन नंबर 18 यह है आपके लिए, आपको आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में, देखता हूं कौन कौन दे पाता है, ठीक है साहब। आराम से बनाइए, सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? ये तो क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है ना, आंसर देना कमेंट बॉक्स में। और मिलते हैं फिर कल वापस इसी टाइम इसी सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म पे। क्लास जरूर देखा करें, क्वेश्चंस डेली बनाया करें, अपने मन से थोड़ा सा ऊपर उठें, भयभीत ना होए कि अभी जो ये चल रही है उससे हम भयभीत हो जाए, हमें भयभीत नहीं होना कोरोना से, हमें अपने आप को मजबूत बनाना है ना। जो भी चीज़ आए, जो भी मुसीबत आए, आपको अपने आप को मजबूत बनाने की तरफ देखना चाहिए, कभी भी डरना घबराना नहीं चाहिए। जो कहा है सरकार ने कि अब घर पे रहो तो घर पे रहो, रहो उसमें क्या है ना। अब ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि अब हम घर पे क्यों रहे, हमारे अधिकार छीन रहे, ये वो बातें नहीं होती। बाहर जाओगे तो मौत पाओगे, यहाँ घर पे रहोगे तो जीवन सुधार पाओगे। तो जीवन सुधारिए, अपने आप को किसी काम में लगा दीजिए ताकि ये माइंड इस बाकी चीज़ों के बारे में कम सोच पाए। और यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन का क्लिक कर लेना, ताकि हर क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। राजस्थान पटवारी के लिए जो क्लासेस चल रही है वो भी जरूर देखें, थ्योरी एक बार जाके देखें, प्लेलिस्ट पे जाएं,
फेसबुक पे हमारा पेज जरूर लाइक करें, जाके सर्च कीजिएगा केशव बानू क्लासेस, केबीसी नाम से हमारा पेज मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक करो, डायरेक्ट क्लिक करो, हमारे पेज पे पहुंच जाओगे। जाके लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करने से फायदा ये होता है कि हम जैसे ही कोई मटेरियल वहां अपलोड करते हैं तो आप जैसे ही फेसबुक खोलते हैं तो आपको दिख जाता है कि हाँ ये मटेरियल डाला है, ठीक है। और बाकी तो कुछ नहीं है, आराम से जुड़े रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, हैदराबाद रहिए और भारत में रहिए, कहीं भी रहिए, जहां हैं बस एक बार वहीं रहिए, है ना। चलो मिलते हैं रीजनिंग की क्लास के साथ कल सुबह, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत।